श्री राम देव अवतार की खम्मा 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 महाराज द्वारका ने नाथ ने जहां भी लाइन आए जरूर गाइए। श्री राम देव अवतार की लीला करा बखान हृदय माही आन बसो निजाधारी भगवान हो बार बार जावे जाने को द्वार जावे बार बार जावे जाने को द्वार जावे लेकिन जो यहाँ मेरा बार बार जमा सुन चुके हैं मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि मैं कुछ रिपीट भजन यहाँ पहली बार जमा हो रहा है इसलिए मैं जो रिपीट भजन गाऊंगा उसको एडजस्ट करें, कोई नया गाने की आवश्यकता नहीं है। और जय जयकार करते हुए रामदेव जी को मनाते हुए जन्म वृतांत की कथा और हम आपकी भावना को लेकर चलते हैं इसी वक्त एट ए टाइम राजस्थान, हम राजस्थान में ही हैं, सॉरी हर जगह कहता हूँ राजस्थान। और राजस्थान में जोधपुर और जैसलमेर के बीच में एक विश्व विख्यात नगर पड़ता है जिसका नाम है यहाँ पीछे जिसका नाम है पोखरण। पोखरण ये कथा 600 साल की गाथा पोखरण से प्रारंभ होती है जहां अनुबंध विस्फोट हुआ था। पोखरण अच्छा पांच बार राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के साथ फोटो है भाई की पांच बार पांच धमाके हुए थे पोखरण में। पहचान कौन वीरप्पन। और ये कथा आगे बढ़ती है 600 साल पहले की। प्लीज मैं सामने बर्दाश्त नहीं करता, आप साइड से आइए। वैसे भी थोड़ी देर के बाद आपको बंद करना ही है प्लीज। और साक्षात दरबार में ये कथा आगे बढ़ती है कि रामदेव जी का अवतार प्रसंग पोखरण के राजा अजमाल 600 साल पहले की। मेरा गुवाहाटी प्रोग्राम था परसों तो गुवाहाटी में जगह जगह बोर्ड लगे बाबा रामदेव जी का जागरण तो लोग आकर पूछने लगे कि भाई रामदेव जी महाराज आ रहे हैं क्या योगा वाले। सवेरे कार लेके बहुत से लोग आए बोले रामदेव जी महाराज कब आएंगे योगा सिखाने को। बोला इंटरवल तक भजन होंगे उसके बाद योगा सिखाने को रामदेव जी महाराज आएंगे। खैर उनका भी नाम इसी नाम से शुरू होता है और वो कल्याण कर रहे हैं सबका। लेकिन ये 600 साल पहले की गाथा ये कथा बहुत लोगों को बाबा को ध्यानते बहुत लोग हैं लेकिन ये संपूर्ण आवरण आपके सामने रामदेव जी को जानने के लिए। कथा प्रारंभ होती पोखरण से। दिल्लीपति दिल्ली के राजा आनंदपाल के वंशज ठाकुर अजमाल तवर वंशी राजा अजमाल दिल्ली से पलायन कर मुगलों से कुछ चल रहा था मामला दिल्ली से पलायन कर थार के रेगिस्तान में पोखरण घर में आए और अपने छोटे भाई राव रूपजी मलजी के साथ अपनी कुशाग्र बुद्धि से एक राज्य की स्थापना की। तवर वंशियों का राज ठाकुर अजमाल भगवान द्वारका नाथ के भगत हर किसी का कोई न कोई इष्ट होता है। राजा अजमाल जी के इष्ट देवता थे द्वारकाधीश गुजरात। हर साल संग लेकर गुजरात जाते अपने छोटे भाई के साथ सारा कार्य देखते। उनका विवाह हुआ जैसलमेर के भाटी परिवार की राजकुमारी मेना दे के साथ। राजकुमारी मेना दे उस घर में महारानी बनकर आई अपने पति का साथ देने के लिए। बड़ी सुशील नारी अपने पति का साथ देती। भगवान द्वारका नाथ का मंदिर घर में बनाया हुआ था महल में। राजा और रानी मेना दे भगवान द्वारका नाथ की पूजा करते और जो भी समय पूजा पाठ से मिलता उसे राजपाट में लगाते। समय व्यतीत होने लगा। राजा अजमाल गांव के राजा लेकिन हर इंसान के पास एक कमी होती है। राजा अजमाल जी के पास कमी थी कि वो नीच संतान थे।
लेकिन प्रभु भक्ति में मस्त, द्वारका नाथ की पूजा में मस्त, अपनी प्रजा के सुख दुख में लिप्त, उम्र की अधेड़ अवस्था पार हो गई। जय बाबा की। गोविंद जी का परिवार, गोविंद जी, अरे गोविंद जी दुबला हो गया, क्या बात है, ऐसा क्या बिराजी। तो साक्षात दरबार और कथा, उम्र की अधेड़ अवस्था पार हो गई। हेलो, बुढ़ापा नजदीक आ गया, लेकिन राजा अजमाल के आंगन में कोई कली नहीं मुस्कुराई। भगवान द्वारकानाथ की भक्ति में मस्त राजा अजमाल जी ने कभी सोचा नहीं मैं इस संतान हूं, हमेशा प्रभु भक्ति में मस्त रहते हैं और जो भी समय मिलता उसे राजपाट प्रजा के सुख और दुख को संभालने में लगाते। समय व्यतीत होने लगा, मगर होनी ने खेल दिखाया। अचानक होनी हुई राजस्थान के उस थार के रेगिस्तान में, आज भी दिल्ली की स्टेट लाइब्रेरी में अंकित है। राजस्थान में अकाल पड़ते रहते हैं, लेकिन 600 साल पहले का ऐसा अकाल फिर कभी नहीं पड़ा। थार का रेगिस्तान थर्रा गया, राजा अजमाल जी के सारे अखाड़े में भयंकर अकाल घोषित हो गया। हवाएं साए साए चलने लगी, ढोर बाजने मरने लगे, गांव के किसान दूर दूर पानी को तरसने लगे। खतरनाक अकाल। राजा अजमाल जी से प्रजा का दुख देखा नहीं गया। जब गांव के गांव खाली होने लगे, राज्य तितर बितर होने लगा, राजा अजमाल जी भगवान द्वारकानाथ के ध्यान में मग्न अपने घर के मंदिर में भूखे प्यासे बैठ गए। एक दिन, दो दिन, 10 दिन, 17 दिन निराहार तक किया और मानो द्वारकानाथ के भगत की आवाज को पहचाना। और एक रात अचानक बाहर आ गई, काले बादल घिर आए और रिमझिम रिमझिम प्यारी प्यारी बरसात प्रारंभ हो गई। बादल गरजने लगे, बिजली गरजने लगी, रिमझिम रिमझिम प्यारी प्यारी बरसात। आहा, ये क्या है, नदी नाले, नदी नाले भर गए। कथा आगे बढ़ रही है, चिड़िया बोलने लगी, ओहो बरसात, कोयल बोलने लगी और मोर भी बोली। मारवाड़ में जब किसान लोग हल बैल खरीद ले निकले हैं तो मोर यो नाचे है और मोर काई बोली। कथा आगे बढ़ रही है, मोरिया रिम रिम झिम बाजे और रिम रिम झिम बाजे पायल री झनकार मोरिया मोरिया आछो बोलो रे धोरा माई ने मोरिया आछो बोलो रे धोरा माई ने मोरिया आछो बोलो रे धोरा माई वो जो बालिका नाची थी वो यहां मौजूद है। इधर अपना पीला ड्रेस, अब्बा गांव के किसान मस्ती में। हाँ मोरिया
वरी बोल हरी, बोलना भूल गया, डोंट वरी, ये बच्चे ज्यादा चाहते हैं हमारे, डोंट वरी, ये बात गोविंद जी। और जय जयकार करते हुए रामदेव जी को मनाते हुए ये कथा गांव के किसान बड़ी मस्ती में खेतों की ओर। राजा अजमाल जी ने मन में सोचा, इतने दिनों के बाद बरसात हुई है, देखो सही किसानों के क्या हाल है। घोड़े पर सवार होकर गांव के राजा अजमाल जी खेतों की ओर। दूर किसान अजमाल जी को सामने आते देखा और मन में घबरा गए, इमीडिएट अपना मुंह फेर लिया। अरे अरे इतनी जोरदार बरसात, किसान लोग हल बैल बेच देकर खेता में चल गया, लेकिन मन देख कर वापस क्यों पलट गया। पुकार कर अजमाल जी किसानों को रोकते हैं और यहाँ से शांति 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 यहाँ से प्रारंभ होता है रामदेव जी के जागरण का असली आयाम। खम्मा खम्मा, अरे फिर खा गेरी गेरी रे भाई ना, ते पाछा कहिया जाओ, अरे फिर खा गेरी गेरी रे भाई ना, ते पाछा कहिया जाओ, मने साची साची बात बताओ, फिर खा गेरी गेरी रे भाई ना, पाछा कहिया जाओ, मने साची बात बताओ जियो। अम्मा 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 मारा धार तारा नाथ ने अंडा तारो, हमारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो। अम्मा 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 मारा धार तारा नाथ ने आंगलिया ने आख्या देवे बांगड़ा ने पाव देवे, आंगलिया ने आख्या देवे बांगड़ा ने पाव, बाबू बजरियारा जय हो, बजरियारा अजमाल जी गांव के किसानों से पूछते हैं, बता दो किसानों कई बात थे लोग पाछा क्यों जा रही। डरते डरते एक बूढ़े किसान ने कहा, क्षमा करे राजा, इतने दिनों के बाद हमारे गांव में बरसात हुई है, इतने दिनों के बाद हम हल बैल बीज लेकर खेतों में जा रहे हैं और अच्छे काम को जाते वक्त अच्छे सुगंध के जाते हैं, आप सामने आ गए सुगंध में, अब सुगंध हो गए राजा। अरे थे तो अजमल जी राजा कोई पांचड़िया कहीं जो निसंतान, पहली बार राजा अजमल जी ने जाना मैं निसंतान हूं। अरे थे तो अजमल जी राजा कोई पांचड़िया कहीं जो मन सुखनिया रे खेता है ना होया जियो, थे तो अजमल जी राजा पांचड़िया कहीं जो मन सुखनिया रे खेता है ना होया जियो। अम्मा 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 मारा दार तारा नाथ ने मारा बाप जीरो पार नहीं पायो जियो, अम्मा 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 मारा राजा। अजमाल जी ने जाना मैं नहीं संतान हूं। अजमाल जी की आंख में आंसू आ गए, हे द्वारकाधीश थारी पूजा को मैंने यो फल मिलो, आज हमारा गांव का किसान मारो मजाक उड़ा कर चले गया कन्हैया, हे नटवर नागरिया आज मैंने पहली बार जाना कि मैं नी संतान हूं। अजमाल जी उदास घर को आए, रानी मीना जी अजमाल जी की धर्म पत्नी ने पूछा, पति तो क्या बात है इतने उदास क्यों, बोले रानी आज मैंने मालूम पड़ो अब भगवान द्वारकानाथ की भक्ति करी रानी से व्यर्थ गई, आज लोग आपका सुनंद कोनी मनावे रानी मन का ही करूं। अजमाल जी फूट फूट कर रो पड़े। रानी बड़ी समझदार अपने पति को ढांढस देती है और यहां बैठा हुआ कोई भी इंसान चाहे वो रघुमाली हो, चाहे गोपाल बजाज हो, चाहे महंत प्रेमनाथ जी हो, चाहे आप हो, चाहे आप
हर किसी के ऊपर से लाइन गुजरती है। देखिए आप ये संदर्भ, रानी अपने पति को ढाढ़स देती है, विश्वासम फलदायकम, अपने विश्वास को कभी डगमगाने मत दीजिए। जिस दिन आपका विश्वास गया आप गए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चारी। ये चार चीजों की परीक्षा इमरजेंसी में होती है, इमरजेंसी में। हाँ, धीरज धैर्य, मैं देख रहा हूँ। वैसे बहुत देर से बैठे हुए लोग हैं, पीछे के लोग थोड़े जरूरी काम को चले गए, आ जाएंगे, लेकिन धीरज मैं यहाँ धीरज से बैठा हूँ, मैं हटूंगा नहीं। धीरज सबसे बड़ी संपदा है इंसान की, जिसके पास धैर्य नहीं वो कभी कुछ नहीं पा सकता। धीरज धर्म, जरा सुखी हुए हे भगवान तू काई करियो रे, कभी मत बोले। धीरज धर्म मित्र, यू आर फ्रेंड, दोस्त दोस्त ना रहा। और नारी आपकी सहचरी, यू आर वाइफ अर्धांगिनी। और रानी बिना दे अपने पति को ढाढ़स देती है। शब्द सुनिया, नाथ मेरे विश्वास रखो जी, भगवन लाज बचाएंगे, एक दिन हमरे बाग बगीचे गीत खुशी के गाएंगे गाएंगे। विश्वासम फलदायकम, नाथ मेरे विश्वास रखो जी। विश्वास रखो जी, भगवान लाज बचाएंगे। अरे 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 पतिदेव ऐसे उदास मत हो, फिर आप सामने आ गए, प्लीज इधर आइए, रे ओ रेडी ओके, ये खींच लेना हमको बस। तो पतिदेव उदास मत हो, जाओ द्वारिका जाओ। अरे भगवान द्वारिका नाथ से मांगो, ऐसे रोकर क्या फायदा। बोले रानी हमने आज तक अपने आप को कभी निसंतान नहीं समझा। रानी आज मेरे गांव के किसान मेरा मजाक उड़ा कर चले गए, इससे बड़े मेरे लिए क्या होगा। नहीं नहीं विश्वास तो मत तोड़ो, जाओ द्वारिका जाओ, भगवान द्वारिका नाथ की इच्छा ही हमारी इच्छा है, जाओ। बार बार रानी अपने पति को ढाढ़स देती है और अजमाल जी द्वारका जाने का निश्चय करते हैं। द्वारका का निश्चय, मैं हर जगह पूछता हूँ, हिंदुओं के चार धाम हैं, चार कोने में, कौन से बता सकते हैं आप? सिरोही, भीनमाल,
बोलो ना शिवगंज शिवगंज सुमेरपुर ठीक है। लेकिन भाई लोग चार धाम इसको भी बोलते भाई, इसको बोलते भाई सासु तीरथ भगवान, ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है और चारों धाम घर वाली है, चारों धाम घर वाली है। बिल्कुल बिल्कुल है भाई, ये आप पर भित्री है या कुछ कह रहे हैं आप ऐसे? इसलिए तो चारों धाम घर वाली है ही ऐसा क्या? तो चार धाम चार कोने ध्यान दे, रामेश्वर, जगन्नाथ, बद्रीनाथ और द्वारिका। गुजरात भगवान कृष्ण का धाम और अजमेर जी द्वारका जाने का निश्चय कर चुके। रानी बड़ी समझदार, अरे भूखा प्यासा हो 17 दिनों की गोली खाया कि खा जाओ? नहीं रानी, अब तुम भगवान के दर्शन करके भोजन करो रानी, मैं को नहीं रुकू। रानी 5-7 कसार का लड्डू साथ बांध दी, कड़ी भूख लागी तो खा ली कसार का लड्डू, थाका मारवाड़ में जोरदार बने माका बटन कसार का लड्डू कहवे मैं खराब को नहीं हुआ, माँ की पीढ़ी तो खाई खाई काकी जी खायोड़ा है ना कि काकी जी आओ दादी जी बुढ़िया खायोड़ी है अरे भी घनी बुढ़िया बैठी है कहीं काकी जी खाया खाया एक बात बात पर टिचोड़ा हो तो मोटा मोटा कसार का लाडू लेकर अजमाल जी वैसे तो घर में नौकर चाकर घोड़ा गाड़ियां सब कुछ लेकिन प्रभु को पाने की चाह निकल पड़ते हैं द्वारिका। एक साधुओं की टोली के साथ अजमाल जी किस तरह द्वारिका पहुंचते हैं, क्या भगवान द्वारका नाथ से विनती करते हैं और क्या आगे जाकर कलयुग में बाबा रामदेव जी का अवतार होता है। Don't leave.
आप पानी पिएंगे तो आपकी प्यास बुझेगी। ये कथा अमृत जितना आप अंदर से निकालेंगे बाबा उतना निहाल करेगा। खम्मा 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 वाला द्वारका नाथ ने और जो परिवार जिन्होंने जागरण रचाया है उनका तो ये फर्ज बनता है कि कथा प्रसंग बैठकर प्यार से ग्रहण करें। राम जो जी के जन्मे का आवरण आपके सामने और अजमाल जी पहुंचे कहां पहुंचे जोर से बोलो। ये बात हमारी गुड़िया बोल रही है द्वारिका। अजमाल जी पहुंचे द्वारिका भगवान कृष्ण का धाम द्वारिका और सुबह सुबह समुद्र में स्नान किया। कथा आगे चल रही है। समुद्र में स्नान किया लोकेश भाई अजमाल जी ने खारे पानी में स्नान किया और गलियों में से द्वारका की गलियों पुकार रहे कृष्णा किशन किशन। लोग परेशान बोले कौन आ गया। अजमाल जी कहते हैं भैया हम आए पोखरण से हम मिलना है किशन से। आए पोखरण से हम मिलना है किशन से। चले हैं चले हैं चले हैं उनके पास। चले हैं चले हैं चले हैं उनके पास। आए पोखरण से हम मिलना है किशन से। हम आए पोखरण से हम मिलना है किशन से। चले हैं अजमाल जी सीधे महामंदिर में। ये कथा आगे बढ़ रही है ध्यान से सुनिए जो पहली बार सुन रहा है। अजमाल जी पहुंचे द्वारिका के मंदिर में सुबह 3:30 बजे का टाइम। मंदिर में कोई नहीं अकेला भगत अकेला भगवान आमने सामने। पहली बार अजमाल जी प्रभु के सामने अकेले। हे कन्हैया आज तक मैं सरस्वती को नहीं मांगो भगवान। आज पहली बार यो अजमा ठाकुर जी की मांगने आयो भगवान। हे नतवर नागरिया मारा गांव का किसान मारो मजाक उड़ाकर चले गया भगवान। भर दे रे ओ शाम भर दे रे शाम झोली भर दे अजमल भर दे अजमल आया। भर दे शाम झोली भर दे भर दे अजमल आया। भर दे शाम झोली भर दे भर दे।
धर दे रे हाथ सर पे धर दे धर दे अजमल आज मेरा गांव के किसान मेरा मजाक उड़ाते चले गए। मैंने आज तक नहीं सोचा मैं नहीं संतान हूं। हे कन्हैया मेरे से बात कर पत्थर की मूर्ति सामने। अजमाल जी आंखों में आंसू आ गए, भावना बह चली और जब भावना बही सामने मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात कन्हैया नजर आए, साक्षात नटवर नागरिया नजर आए द्वारका के इतिहास में। और अजमाल जी द्रवित हो गए, बोले कन्हैया मारे से बात कर। बोलो बोलो कन्हैया मदन गोपाल मारे से बात कर। हो बोलो बोलो मारा मदन गोपाल अजमल आयो द्वार तेरे। बोलो बोलो मारा मदन गोपाल अजमल आयो द्वार तेरे। बोलो बोलो मारा द्वार तेरा नार अजमल आयो पानी से भर आई नैन छलक आए। हे कन्हैया अरे एड़ा ताई पाप किया रे महारा प्रभु जी सब जुग ताना घना मारे जियो। एक बात और जो क्रीम बैठा है उसके लिए कि दो चीजें राम जी के जम्मे में चलती है, आपकी तपस्या भी हो जाएगी। बाबा राम साहब वीर है हाजरा हजूर है। एक तो खम्मा 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 मारा द्वार तारा नाथ ले जहां भी लाइन आए गाते रहिए। और दूसरा जहां जियो आए आचार्य साहब जहां जियो आए आरे जियो। ये पूरे कार्यक्रम में सुबह तक कई बार आएगा और मेरा विश्वास है अगर आपने सही टाइम पर करेक्ट जगह पर जियो लगा लिया एक दो बार चार बार आपकी वाणी प्रखर होगी। राम साहब वीर वाणी को बड़ा संचय करते हैं। जहां जियो आए कोशिश कीजिए लगा ले की अरे एरा काई पाप किया रे महारा प्रभु जी सब जुग ताना घना मारे जियो। अरे धूप की ओरो सारो धूड़ माई दे मिल गयो अरे द्वारका रा नाथ मासो बोलो जियो। बरोबर लगाया आपने लगाया ना। अरे धूप की ओरो सारो धूड़ माई दे मिल गयो अरे द्वारका रा नाथ मासो बोलो जियो। हे कन्हैया मेरे से बात कर। पत्थर की मूर्ति सामने अजमाल जी की आंखें लाल हो गई। भगवान बात करने को राजी नहीं, मंदिर में कोई नहीं। 600 साल पहले की साक्षात घटना इतिहास गवाह है। हे भगवान बहुत बोल दो। जब तू बोल रहे हो कहीं बैठा थारा कान मासूक बात करने लागे थाने मान। अरे लागे थाने मान मने तू नहीं बतलावे ज्यादा भक्ति करी के वास्ते नखरावे।
ये मेरी लास्ट एंड फाइनल विनती है। अजमाल जी गुस्से में, देखिए आप, हे भगवान डेढ़ बजे ना आएगी, बात कर माने सु, ये मेरी लास्ट एंड फाइनल विनती है। अगर अब की बार भी तूने बात नहीं की तो तू है या आप बोल रहे हमने बोल रहे। अजमाल जी गुस्से में, हे कन्हैया, हाँ, अरे जी मारा नटवर नागरिया, नटवर नागरिया, जी मारा नटवर नागरिया, जी मारा नटवर नागरिया, भगतारे क्यों नहीं आयो रे, भगतारे क्यों नहीं आयो रे, भगतारे क्यों नहीं आयो रे, अजमाल जी गुस्से में, हे भगवान बहुत हो गया। जब सू बोल रहे हूं कहीं बैठा है थारा कान, मासू बात करने लागे थाने मान, अरे लागे थाने मान, मैंने तू नहीं बतलावे, ज्यादा भक्ति करी के वास्ते नखरा आवे, हे भगवान बहुत हो गया। अरे काई रुक्मणी रोकने लागी, थारी लुगाई रुक्मणी भक्ता के आमंत्रण रोक रे कन्हैया, मारवाड़ी में काय बोले थारी लुगाई, तेलुगु में नी भारिया, ठाकुरा में तुम्हारी ठाकुराइन, बंगाली में तोर बहू, अंग्रेजी में योर वाइफ, उर्दू में आपकी बेगम, और मराठी में तुझी बाई को, तुझी बाई को, और पंजाबी में तोड़ी वोटी, तोड़ी वोटी, हे कन्हैया। अरे काई रुक्मणी रोकने लागी, अरे काई जी मन में खोयो रे, अरे भूखा भगवान, काई रुक्मणी रोकने लागी, अरे काई जी मन में खोयो रे, अरे काई बहरो हो गयो काना, अरे काई बहरो हो गयो काना, काई नींद में सोयो रे, अजमाल जी गुस्से में, ये आपके हाथ में रखिए, जब मैं इशारा करूं आपको कोई भी डायरेक्शन में फेंकना है, आपकी मर्जी, सस्पेंस नीचे उतर के फेंकिए, आपकी मर्जी, आपकी घरवाली को मत फेंकिए, बाकी सबको फेंक दें,
हाँ ये एक में एक उत्तर निचले अंक नहीं है, ये कोने में आई। आप कहाँ तक भेज सकते हैं, कौन कैच कर सकता है, या इस कोने में या उस कोने में, ये द्वारकानाथ का प्रसाद है। कैच करना है आपको भाई साहब के हाथ को देखते हुए। अजमाल जी गुस्से में थोड़ा ऊंचा आकर फेंकिए ना, आइए अजमल में की विनय बहुत। ये साक्षात घटना 600 साल पहले की, द्वारका के मंदिर में अजमाल जी अकेले। अजमल ने की विनय बहुत, सुनी ना प्रभु ने ने, तो क्रोधित होकर मूर्तियां पर लड्डू मारा फेंक। क्या कैच पकड़ा है भैया, जिसने पकड़ा उठ के खड़े रहे। जय बाबे की, ये द्वारकानाथ का प्रसाद है। हाँ संभाल कर रखिए इंटरवेल तक, उसके बाद यहां लाकर रख देना। अजमाल जी गुस्से में आजू बाजू हाथ गयो। रानी जो पांच सात कसार का लाडू दी थी, काकी जी ओ बढ़िया जी कसार का लाडू हाथ में आ गयो, और अजमाल जी ने आओ देखा नाओ लड्डू की उठाकर भगवान के लीलाद पर मार दी। मंदिर में कोई नहीं, आवाज आई, पुजारी जी कहीं बाहर थे, भागते हुए अंदर आए, गर्भगृह में कोई आदमी तो नहीं आ गया। और जब नजदीक जाकर देखा आंखें लाल लाल, भगवान ने घूर घूर के देखा अजमाल जी, बोले भगत तो बोला आया, ओ भगत तो स्पेशल आयो, सी तो मंदिर के मायने घुस के आयो, कोनी तो यो कोनी तू कुने। अजमाल जी पलट के पूछा तू कुने, बोले मैं ठाकुर पुजारी हूं, पुजारी आई एम पुजारी ऑफ दिस टेंपल। बोले पुजारी? अजमाल जी गुस्से में, किसका पुजारी, कहा है तेरा भगवान, किसकी पूजा करता है तू? अरे पुजारी बताई दे, कथे थारो द्वार कारो राजा। अरे पुजारी बताई दे, कथे थारो द्वार कारो राजा। मने साची साची बात बताओ पुजारी, बताई दे कथे द्वार कारो राजा। मने साची साची बात बताओ जियो, घंटी बजा, बोले प्रसाद तो मचलाई दियो। नजर पड़ी मूर्ति के पास, कहीं देख मूर्ति के चारों ओर कसार को लाडू। बोले भगत वो कहीं करियो, बोले कहीं करूं, भगवान मारे बात को नहीं करे, मैंने गुस्सा आ गयो, हाथ में लड्डू आया और मैंने बाप रे बाप। पुजारी मन में सोचियो, जो कोयो भगत का हाथ में लाडू आयो, अगर भाटो आतो तो एक भगवान का दो भगवान कर डालो। बोले भैया भगवान से यहां बात की जावे। पुजारी के नजर में अजमाल जी पागल साबित हो गए, नास्तिक। सच्ची घटना, धरती पर बोझ माना जाता है नास्तिक। भैया अली पागल, ये तो कोई पागल है, मंदिर में घुस गया भाई। वो बयालीस का कुछ बोलते ना भाई आप। बयालीस का मतलब 42, ये कोई 42 है। 42 से मुझे एक जोक याद आया कि 42 किस क्या उम्र है, 42 तो नहीं है ना। हाँ कोई बात, चलता चलता। क्या लोकेश तुम्हारी उम्र है क्या? चांतीलाल जी एडवोकेट 42 कोई नहीं है भाई। हाँ तो 42 का मतलब है, एक बार एक स्कूल में, वो साल में एक बार इंस्पेक्शन करने को टीचर आते हैं, देखो फ्लाइंग स्क्वाड बोलते हैं उसे, डीओ डीओ डीओ, साल में एक बार आते हैं। तो डायरेक्शन करने को आए स्कूल में छोटे छोटे बच्चे, जगदीश जी आप कहते छोटे छोटे बच्चे, और जाकर सर ने पूछा बच्चों। बोले यस सर, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बोले फाइन सर। अच्छा मेरे एक प्रश्न का उत्तर बताओ। बोले पूछिए सर, छोटे छोटे बच्चे। बोले बताओ कुतुब मीनार की ऊंचाई 240 फुट, चार मीनार की ऊंचाई 180 फुट, इस कमरे की चौड़ाई 100 फुट, लंबाई 200 फुट, बताओ मेरी उम्र कितनी है? क्वेश्चन देखिए आप, इतने इतने बच्चे आचार्य साहब, और काई क्वेश्चन कि कुतुब मीनार की ऊंचाई 240 फुट,
चार मीनार की ऊंचाई 180 फुट, इस कमरे की चौड़ाई 100 फुट, लंबाई 200 फुट। बताओ मेरी उम्र कितनी है? सारे बच्चे परेशान। एक छोटा सा बच्चा उठा, बोले सर मैं बताऊं? बोले बोल। बोले 42 42। वाह सर की उम्र 42। सर बड़े प्रसन्न हो गए। अरे वाह, इतना 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 बेटा, इतना इतना बेटा, तूने मेरे प्रश्न को सुनकर क्या कैलकुलेशन लगाया मेरी उम्र का? बोले सर वेरी सिंपल, आपका ये पटांग प्रश्न सुनकर मैंने सोचा मेरे मोहल्ले में एक आधा पागल है, उसकी उम्र 21 साल है, मैंने डबल किया क्योंकि आप पूरे पागल दिख रहे हैं, आप 42 है। तो घबरा गए पुजारी जी। बोले भाई ऐसे आदमी का तो मरना अच्छा। बोले भाई तुम्हें जरूरी काम है? बोले हाँ। बोले अबारी मिलनो है? बोले हाँ। तो क्या पता अपनी ओर से, देखिए कथा आगे बढ़ रही है, चमत्कारी कथा है, रामदेव जी का अवतार प्रसंग। अपनी ओर से अजमाल जी को पुजारी जी का ही बतावे। अरे गर्मी घनी पड़े बिरा, प्रभु समुद्रिया में सूत्या है, ठंडी ठंडी लहरा वठे पोड़िया। जियो ठंडी ठंडी लहरा वठे पोड़िया। जियो गर्मी बहुत पड़ रही है, भगवान जनु काम समुद्र में कूद जा। अरे भाई थारो भी कल्याण मारो भी कल्याण, जो आदमी भगवान ने कौन छोड़े भी कहीं भरोसा, एक मने दे दियो तो पुजारी घबराएगी। और अजमाल जी आओ दिखा लेता हूं प्रभु को पाने के चरम लालिसा। और द्वारका के समुद्र के नजदीक भगवान की दया से अजमाल जी पहुंचे द्वारका से भेंट द्वारका। हाँ अजमाल जी पहुंचे भेंट द्वारका पागल से। और सचमुच साथ में आते आते पुजारी को भी ला लिए। बोला मैंने बता कैसे मिली भगवान? वो पुजारी बेचारो ब्राह्मण आदमी हो तो राजा एक नाव खड़ी थी। बोले इस नाव में बैठ जाइए, आपको मैं बताता हूँ कहाँ पर कूदना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपके जैसे एक पीपोजी नाम के भगत उनको भगवान इस खाड़ी में मिले थे, तो आप भी चलिए। पुजारी जी घबरा गया, बोले तू साथे बैठ। मन में सोचा पुजारी जी वो कूदता कूदता मन लेर कूद गयो तो सेफ साइड। बोले मैं आपने बताऊं, आप आगे चलो। पुजारी जी की दया, अजमाल जी की नाव, अकेले अजमाल जी, समुद्र की लहरों ने ऑटोमेटिक रास्ता बताया। और अजमाल जी न जाने कब तक क्या सोचते सोचते उस बहते समुद्र में साक्षात छलांग लगा दी और गाते रहे ओ सबके सहारे। त्रिलोकी का नाथ ने बेगी सुनी
पुकार। अरे कूदने अजमाल जी जद समुद्रिया में पड़िया है, खुद द्वार करा नाथ आगे बोलिया दियो। कूदने अजमाल जी समुद्रिया में पड़िया, खुद द्वार करा नाथ आगे बोलिया दियो। अम्मा 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 मारा द्वार करा नाथ ले। अरे जोई जोई जावे तारे बापो पे को आरे, जोई जोई जावे तारे बापो पे को आरे, जोई जोई जावे तारे बापो पे को आरे, जोई जोई जावे तारे बापो पे को आरे। लक्ष्मी नारायण के दर्शन। हाँ श्रीमद नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आपके फायदे के लिए कहना चाहूंगा कि लक्ष्मी नारायण ओम के बाद इस संसार का सबसे महान शब्द है नारायण। आप जानते हैं तीन देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, इसमें बीच के भगवान विष्णु नारायण, जगत के पालनहार नारायण, ये ब्रिज है आपको वहां तक पहुंचाने के लिए। ये प्राण प्रतिष्ठा उत्सव का जम्मा बाबा की जोत, इससे बड़ा विटनेस और कोई नहीं है। अग्नि और मेरा निवेदन है यहाँ बैठे हुए अभी जो इस वक्त मेरे सामने इतना प्यारा समा बैठा है भक्तिपूर्ण, कृपया नारायण को जरूर जप। देखिए ब्रह्मा जी सृष्टि करता है बनाकर छोड़ दी, शंकर जी लास्ट में आएंगे फाइटिंग डिशम डिशम, ये बीच का चीटी को कण हाथी को मण देने वाले नारायण। आपको जो भी मिल रहा है आज के डेट में, आप गाड़ियों में आए इतने सब खर्चे, नारायण। इसलिए मेरा निवेदन है ये दो हाथ जो परमेश्वर ने दिए हैं, ये वीडियो आपको कवर करेगा, चालू है ना, ये वीडियो आपको कवर करेगा कि रात को 1:30 बजे भी इतने भगत नारायण का नाम जप रहे थे। मेरा निवेदन है 8 लाइनें और दोनों हाथ उठाकर नारायण को जपते हुए अपनी बीमारियों को दूर भगाइए। मेरा विश्वास है कि दोनों हाथ उठाइए और गाइए ताली बजाते हुए 1 2 3 4 जोड़िए अपने हृदय तक लाइए, बोलिए ओम।